This is the last lecture of the first unit. In this lecture, we are going to discuss about the different type of gas power cycles. So there are basically three important gas power cycle. First is Otto cycle, second is diesel cycle, and third is Breton cycle. Otto cycle is widely used in petrol engines, and Otto cycles are also known as petrol cycle. Second is diesel cycle. Diesel cycle are widely used in diesel engine. Dual cycle and Breton cycle are extensively used and in gas turbine engines. So first we will start with the Otto cycle. Otto cycle is a gas power cycle that is used in spark ignition internal combustion engine. जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें कंबस्शन जो होता है, जो फ्यूल जलाते हैं, तो वो होता है स्पार्क से, स्पार्क इग्निशन होता है उसमें, स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं. जबकि डीजल इंजन में हम फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करते हैं. जब आपने फर्स्ट ईयर में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज़ होता है और डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होता है. तो इन ऑटो साइकिल इज अ गैस पावर साइकिल दैट इज़ यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबस्शन इंजन. मॉडर्न पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो स्पार्क इग्निशन इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं. दिस साइकिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय निकोलस अगस्त ऑटो. ही वॉज अ जर्मन इंजीनियर. ठीक है, तो ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेसेस. इसमें चार प्रोसेसेस होती हैं जिसमें दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगी दैट विल बी रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और दो आइसोकोरिक प्रोसेस होगी जो कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है. तो ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ फोर प्रोसेसेस इन विच टू प्रोसेसेस विल बी आइसेंट्रोपिक दैट इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड टू प्रोसेसेस विल बी आइसोकोरिक और वी कैन से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम दिया है जो आउटर आप लाइन देख रहे हैं, दैट इज़ नथिंग बट सिलेंडर. सिलेंडर में क्या होता है, पिस्टन मूव करता है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर. तो ऊपर जो डॉटेड लाइन है दैट इज रिटन एज TDC. TDC का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, और नीचे जो BDC लिखा है इट मीन्स बॉटम डेड सेंटर. तो हमें जैसे पता है कि चार साइकिल होती है, किसी भी थर्मोडायनेमिक साइकिल में चार साइकिल होती है. तो जब पिस्टन का मूवमेंट होना होता है तो पहले BDC पे क्या रहता है, पिस्टन रहता है. तो फर्स्ट प्रोसेस में इट विल मूव फ्रॉम BDC टू TDC, बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर. और सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, ये थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग टॉप डेड सेंटर पे रुकेगा, फिर वहाँ से नीचे की ओर पुश होगा और धीरे धीरे BDC की तरफ आएगा. थर्ड प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप इट विल मूव फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर. इन द सेकेंड प्रोसेस इट विल रेस्ट एट टॉप डेड सेंटर फॉर ए मूवमेंट ऑफ टाइम. इन द थर्ड प्रोसेस इट विल मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, एंड इन द फोर्थ स्टेप इट विल रेस्ट एट द बॉटम डेड सेंटर फॉर ए मूवमेंट. तो ये अपने ओरिजिनल स्टेज पे पहुंच जाएगा, और फिर यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहेगी, फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, एंड इट विल रेस्ट एट टॉप डेड सेंटर फॉर ए मोमेंट, देन अगेन इट विल पुश फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, एंड इट विल रेस्ट इन द लास्ट प्रोसेस इट विल रेस्ट एट द बॉटम डेड सेंटर फॉर अ मोमेंट. तो इस साइकिल को हम अच्छे से समझेंगे, और हर साइकिल में, हर स्टेप में, हर प्रोसेस में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है. तो प्रोसेस इन ऑटो साइकिल, एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल द प्रोसेसेस आर मेंशन. प्रोसेस वन, पहला स्टेप जो होगा दैट विल बी प्रोसेस 1 to 2. सेकेंड स्टेप जो होगा दैट विल बी प्रोसेस 2 to 3. थर्ड स्टेप जो होगा दैट इज द प्रोसेस ऑफ 3 to 4, एंड द लास्ट प्रोसेस इज
लास्ट स्टेप इज प्रोसेस 4 to 1। तो पहली प्रोसेस में क्या होगा, दैट इज प्रोसेस 1 to 2। द फर्स्ट स्टेप इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चलेगा तो उसमें जो एयर रहेगी इंजन के अंदर वो क्या होगा, वो प्रेशराइज होगा, उस पर उसका वॉल्यूम 1 से 2 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम होता जाएगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इन प्रोसेस 1 to 2 दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इन दिस प्रोसेस द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर पोजिशन। द एयर अंडरगोज रिवर्सिबल एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होगा, इसमें वी नो दैट कंप्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड प्रेशर इंक्रीजेज। जब हम प्रेशराइज करेंगे, कंप्रेस करेंगे गैस को, तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ता जाएगा। हेंस इन दिस प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीजेज फ्रॉम V1 to V2 एंड प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम P1 to P2। तो जब ये होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर विल इंक्रीज, उसका गैस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीजेज फ्रॉम T1 to T2 एज दिस इज एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बिकॉज हम जानते हैं कि इफ देर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट तो एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम का सराउंडिंग से नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी कॉन्स्टेंट रहेगी। अब आप PV डायग्राम में और TS डायग्राम में देख सकते हैं, प्रोसेस 1 to 2 जो पहला स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। तो जब प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यू कैन सी फ्रॉम स्टेप 1 to 2 टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एंड एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब क्या हुआ, पिस्टन हमारा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया। नाउ एट स्टेप 2, स्टेप 2 मींस प्रोसेस 2 to 3। उस पर क्या होगा कि पिस्टन हमारा जब टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया तो फॉर द मोमेंट वो वहां पे रेस्ट करेगा, थोड़ी देर के लिए पिस्टन वहां पे रुकेगा। तो पिस्टन 2 to 3 प्रोसेस 2 to 3 इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 to 3 प्रोसेस इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस, दिस इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब वहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, जब वो वहाँ पे रेस्ट करेगा तो वॉल्यूम विल बी रिमेन सेम। अब हीट ऐड करेंगे, हीट जब ऐड करेंगे, हियर पिस्टन रिमेन्स एट टॉप डेड सेंटर फॉर ए मोमेंट, हीट इज एडेड एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम उसका कॉन्स्टेंट रहेगा, तो V2 इज इक्वल टू V3 रहेगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल हीट सोर्स, एक्सटर्नल हीट सोर्स से हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे। जब पिस्टन वहाँ पर रुका हो, जब टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्रॉम T2 to T1 और प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर विल इंक्रीज फ्रॉम P2 to P3 एंड एंट्रोपी इंक्रीजेज फ्रॉम S2 to S3। एंट्रोपी क्यों, क्योंकि हम हीट सराउंडिंग से सिस्टम को दे रहे हैं, तो जब हीट हम दे रहे हैं तो हमारा जब वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा हीट देने पे और हमारा एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगा। नाउ यू कैन सी इन द PV डायग्राम द स्टेप 2 to 3। इन स्टेप 2 to 3 यू कैन सी द प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज सेम, सो द टेम्परेचर फ्रॉम 2 to 3 यू कैन सी इन TS डायग्राम टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 to 3 प्रोसेस एंड द एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक, तो अब क्या होगा थर्ड प्रोसेस में, थर्ड स्टेप में क्या होगा, 3 to 4 अब क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। अब पिस्टन जो है नीचे की ओर वापस आना शुरू होगा, फ्रॉम बॉटम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। तो ये हो गई आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। इसमें क्या होगा, इन दिस प्रोसेस एयर अंडरगोज आइसेंट्रोपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा। जैसे जैसे पिस्टन नीचे की ओर आएगा हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा,
ठीक है, 3 to 4 में देखिए, सॉरी, इन दिस प्रोसेस एयर अंडरगोज आइसेंट्रॉपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, द पिस्टन इज पुश्ड फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर पोजिशन, हियर प्रेशर विल डिक्रीज फ्रॉम P3 to P4 एंड वॉल्यूम, अब इसका क्या होगा, वॉल्यूम इसका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे नीचे आता जाएगा और गैस ऊपर की ओर होती जाएगी और वॉल्यूम उसका बढ़ता जाएगा, तो वॉल्यूम राइजेस फ्रॉम V3 to V4, टेम्परेचर उसका क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर गिरता जाएगा, तो टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम T3 to T4 एंड एंट्रॉपी रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. तो नाउ यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ इन P3 to P4 प्रोसेस 3 to 4 प्रेशर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम P3 to P4 एज वेल एज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V3 to V4. नाउ टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग फ्रॉम T3 to T4 एंड द एंट्रॉपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट. नाउ द लास्ट स्टेप दैट इज प्रोसेस 4 to 1. अब जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे आ गया तो ये थोड़ी देर के लिए बॉटम डेड सेंटर पे अब रुकेगा, रेस्ट करेगा फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस होने से पहले. ठीक, तो प्रोसेस 4 to 1 में क्या होगा, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. यहाँ पे क्या रहेगा, वॉल्यूम जो जब यहाँ पे पहुँचा तो जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम रहेगा लास्ट प्रोसेस में, लेकिन क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी. तो हीट जब रिजेक्ट होगी सिस्टम से सराउंडिंग को तो क्या होगा, एंट्रॉपी में भी परिवर्तन होगा. तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, इन दिस प्रोसेस द पिस्टन रेस्ट एट BDC फॉर ए मोमेंट एंड हीट इज रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट विल बी V4 इज इक्वल टू V1. इन दिस प्रोसेस प्रेशर फॉल्स फ्रॉम P4 to P1, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम T4 to T1 एंड एंट्रॉपी फॉल्स फ्रॉम S4 to S1. नाउ यू कैन सी इन द PV एंड TS डायग्राम स्टेप 4 to 1. नाउ यू कैन सी इजिली 4 to 1 प्रेशर इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट एंड एंट्रॉपी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, टेम्परेचर इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. तो दिस इज द 4-step साइकिल ऑफ पेट्रोल और यू कैन से ऑटो इंजन, ऑटो साइकिल और पेट्रोल साइकिल. नाउ द सेकेंड साइकिल इज डीजल साइकिल. ठीक, अब डीजल साइकिल और पेट्रोल साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस है. इन डीजल साइकिल इज ए गैस पावर साइकिल इन्वेंटेड बाय रुडोल्फ डीजल इन द ईयर 1897. इट इज वाइडली यूज इन डीजल इंजन. जो डीजल साइकिल है ये साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल ने 1897 में ये खोजा था, इसका आविष्कार किया था और ये डीजल इंजन में यूज होता है. डीजल इंजन मैक्सिमम हमारी हैवी व्हीकल्स में, ट्रक में, बस में और बड़े बड़े व्हीकल्स में यूज होते हैं और 4-wheeler कार्स में भी यूज होते हैं. तो डीजल साइकिल इज सिमिलर टू ऑटो साइकिल एक्सेप्ट इन द फैक्ट दैट इट हैज़ 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इंस्टेड ऑफ ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. वहाँ पे क्या होता था, पेट्रोल साइकिल में 2 आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होता था और 2 हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता था. और यहाँ पे क्या होगा, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की जगह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है, 2 आइसेंट्रॉपिक तो रहेगा ही रहेगा, 1 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाएगा और 1 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा. तो ये आपका डायग्राम बना हुआ है और इसमें भी 4-step जो प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस 1 to 2 क्या होगा, आइसेंट्रॉपिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा. तो प्रोसेस 1 to 2 में क्या होगा, इट इज आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन जब हमारा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर मूव करेगा. तो इन दिस प्रोसेस द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर BDC टू टॉप डेड सेंटर पोजीशन. नीचे जो बॉटम डेड सेंटर है वहाँ से
ऊपर की ओर टॉप डेड सेंटर की ओर जाएगा, तो जो एयर है इंजन में उसमें सिलेंडर में क्या होगा, एयर विल बी कंप्रेस्ड, एयर इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली इनसाइड द सिलेंडर, जो एयर है सिलेंडर के अंदर वो आइसेंट्रोपिकली क्या होगी, कंप्रेस होगी, और प्रेशर ऑफ एयर क्या होगा, जब पिस्टन जैसे जैसे उसको प्रेशराइज करते हुए ऊपर जाएगा तो प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2 एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जैसे जैसे प्रेशर के साथ उस पर दबाव बढ़ता जाएगा वॉल्यूम कम होता जाएगा, तो वॉल्यूम विल डिक्रीजेस फ्रॉम V1 टू V2। लेकिन इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, कोई हीट ना दे रहे हैं ना हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो वर्क हमें मिल रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इन दिस प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है। तो अब डायग्राम से इस प्रोसेस को समझेंगे। नाउ यू कैन सी इन पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम प्रोसेस 1-2, द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग बट प्रेशर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इन पीवी डायग्राम। नाउ इन यू कैन सी इन टीएस डायग्राम टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1-2 एंड एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट, S1 = S2। दिस इज द स्टेप 1, दैट इज प्रोसेस 1-2, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में थोड़ी देर के लिए वो उस पर रेस्ट करेगा TDC पे, तो इन दिस प्रोसेस हीट इज एडेड, तो ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। अब थोड़ी देर के लिए जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे रेस्ट करेगा तो क्या होगा, हमारा प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम हीट देंगे, तो हीट इसमें सिस्टम में ऐड होगी, तो इन दिस प्रोसेस हीट इज एडेड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम एन एक्सटर्नल हीट सोर्स, तो इससे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V2 to V3 एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम T2 to T3 एंड एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज वी आर गिविंग हीट टू द सिस्टम, तो टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज एंड एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ दिस प्रोसेस यू कैन सी इन द डायग्राम द स्टेप 2, दैट इज प्रोसेस फ्रॉम 2 to 3। इसमें आप देखिए Q in जो लिखा हुआ है, मतलब हीट हम दे रहे हैं, सिस्टम को सराउंडिंग से हीट मिल रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें प्रेशर इज कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम इसको हीट दे रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा V2 से V3 हो जाएगा, और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और इसकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। यू कैन सी इन द TS डायग्राम फ्रॉम स्टेप 2 to 3, व्हेन वी आर गिविंग क्यू इन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्रॉम T2 to T3 एंड एंट्रोपी विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम S2 to S3। नाउ इन द थर्ड स्टेप, दैट इज प्रोसेस 3-4, now it will be again isentropic process, now it is an isentropic expansion process। अब क्या होगा, पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर पुश होगा, ठीक है, नीचे की ओर आता जाएगा, तो इसमें क्या होगा, हियर द कंप्रेस्ड एंड हीटेड एयर इज एक्सपेंडेड isentropically इनसाइड द सिलेंडर, द पिस्टन इज फोर्स्ड फ्रॉम TDC to BDC in the cylinder, pressure of air decreases from P3 to P4, temperature will also decrease from T3 to T4 and volume increases from V3 to V4, ठीक। अब जैसे जैसे पिस्टन हमारा प्रेस होकर नीचे आता जाएगा तो क्या होगा, जैसे जैसे वो नीचे आएगा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारा बढ़ता जाएगा। नाउ यू कैन सी W आउट क्या हो रहा है, 3-4 प्रोसेस में क्या हो रहा है कि हमारा प्रेशर जो है डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो नाउ यू कैन सी इन द TS डायग्राम इन 3-4 प्रोसेस, नाउ टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग एंड एंट्रोपी विल रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट,
neither we are giving heat from surrounding to the system, nor we are rejecting the heat from system to the surrounding. So in this process, here the compressed and heated air is expanded isentropic inside the cylinder. The piston is forced from TDC to BDC in the cylinder. Pressure of air decreases from P3 to P4. Temperature decreases from T3 to T4 and volume increases from V3 to V4. Entropy will remain constant. That is really. अब इसमें काम क्या मिल रहा है? वर्कआउट, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. इसमें फिर सिस्टम जो है काम कर रहा है, जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आ रहा है. तो दिस इज द प्रोसेस. दिस प्रोसेस यू कैन इजीली सी इन द पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम. नाउ द लास्ट प्रोसेस, द लास्ट स्टेप इन द डीजल साइकिल, दैट इज प्रोसेस 4-1. तो 4-1 में आप देखिए, इट इज़ अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. इसमें क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा जब वो आएगा थोड़ी देर के लिए. फॉर द टाइम बीइंग द पिस्टन विल रेस्ट एट बीडीसी, दैट इज बॉटम डेड सेंटर. अब टीडीसी से जब बीडीसी पे मूव करता हुआ पिस्टन आ जाएगा तो थोड़ी देर के लिए वो बॉटम डेड सेंटर पे रुकेगा, रेस्ट करेगा बिफोर गोइंग फॉर द फर्दर साइकिल. तो इन दिस प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा, जब बीडीसी पे आएगा तो वहीं पे रेस्ट करेगा, तो जो पहले से वॉल्यूम था वॉल्यूम एज इट इज रहेगा. देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ V4 दैट इज इक्वल टू V1. प्रेशर क्या होगा, प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर विल डिक्रीजेज फ्रॉम P4 टू P1. टेम्परेचर विल ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम T4 टू T1 एंड एंट्रॉपी डिक्रीजेज फ्रॉम S4 टू S1 बिकॉज वी आर रिजेक्टिंग हीट फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से आके बॉटम डेड सेंटर पहुँचा और बॉटम डेड सेंटर पर अब रेस्ट कर रहा है, तो जब रेस्ट मोशन में है वो, तो रेस्ट के टाइम में क्या होगा, हमारा हीट रिजेक्ट होगा. तो जब सिस्टम से हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट होगा तो हम जानते हैं कि एंट्रोपी हमारी कम हो जाएगी. नाउ दिस प्रोसेस यू कैन सी इन द डायग्राम, स्टेप 4-1. यू कैन सी इजली हीट इज रिजेक्टिंग, दैट इज क्यू आउट. तो फ्रॉम 4-1 वॉल्यूम इज रिमेन कॉन्स्टेंट बट प्रेशर इज डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर विल ऑल्सो बी डिक्रीज एंड एंट्रोपी विल ऑल्सो डिक्रीज. इट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द ग्राफ एज यू कैन सी इन द पी वी डायग्राम, एंड दैट इज प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टी एस डायग्राम, दैट इज टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम. तो दिस इज़ द साइकिल ऑफ डीजल इंजन. ठीक है, डीजल इंजन की ये गैस डीजल साइकिल है. तो इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, पेट्रोल इंजन में 2 आइसेंट्रॉपिक और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है, और डीजल इंजन में 2 आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस तो होगा ही एक्सपेंशन कंप्रेशन का, लेकिन एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगा, जबकि पेट्रोल इंजन में हम 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस यूज़ करते थे. ठीक, तो ये डिफरेंस है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन की साइकिल में. नाउ द फाइनल साइकिल, और यू कैन से द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, द फर्स्ट यूनिट, दैट इज ब्रेटॉन पावर साइकिल. तो मॉडर्न ब्रेटॉन इंजन्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ए टर्बाइन टाइप, ऑल दो ब्रेटॉन ओनली मेड पिस्टन इंजन. ये जो ब्रेटॉन इंजन होते हैं ये टर्बाइन की तरह काम करते हैं. इन द ओरिजिनल 19th century ब्रेटॉन इंजन एम्बिएंट एयर इज ड्रॉन इनटू अ पिस्टन कंप्रेसर वेयर इट इज कंप्रेस्ड आइडली एन आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस. द कंप्रेस्ड एयर देन रन्स थ्रू अ मिक्सिंग चैम्बर वेयर फ्यूल इज एजेड एन आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस. तो ब्रेटॉन इंजन में क्या करते हैं, ये जो है एकदम टरबाइन की तरह काम करते हैं. इसमें
हवा जो होती है, एम्बिएंट एयर जो होती है, उसको पिस्टन कंप्रेसर में डालते हैं जहाँ पे ये कंप्रेस होती है। और ये किस तरह की प्रोसेस होगी, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। और फिर कंप्रेस एयर को क्या करेंगे, जो मिक्सिंग चैम्बर होता है वहाँ पे एयर और फ्यूल को ऐड करते हैं। जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर रन थ्रू अ मिक्सिंग चैम्बर वेयर फ्यूल इज एडेड। मिक्सिंग चैम्बर में जब वो कंप्रेस एयर जाएगी तो वहाँ पे फ्यूल को कंप्रेस्ड एयर के साथ ऐड करेंगे, एंड दिस प्रोसेस विल बी एन आइसोबारिक प्रोसेस। द प्रेशराइज्ड एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इज देन इग्नाइटेड इन एन एक्सपेंशन सिलेंडर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, कम्बशन होगा, इग्नाइट होगा। प्रेशराइज एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो क्या होगा, उसमें इग्निशन होगा और एक्सपेंशन होगा उसके बाद सिलेंडर में, हैं। और एक्सपेंशन होने के बाद क्या होगा, फिर एनर्जी रिलीज होगी। दैट विल कॉज द हीटेड एयर एंड कम्बशन प्रोडक्ट टू एक्सपेंड थ्रू अ पिस्टन सिलेंडर, अनदर आइडली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो वो क्या प्रेशराइज एयर क्या होगा, जब फ्यूल से मिक्स होगा और उसमें जब आग लगेगी, जब वो इग्निशन होगा तो क्या होगा, एक एक्सपेंशन होगा और सिलेंडर में एनर्जी रिलीज होगी। उससे क्या होगा, कॉजिंग द हीटेड एयर एंड कम्बशन प्रोडक्ट्स टू एक्सपेंड थ्रू अ पिस्टन। तो जो हीटेड एयर है वो क्या होगा, जलने के बाद वो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा थ्रू पिस्टन सिलेंडर। तो दिस प्रोसेस विल ऑल्सो बी एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, गैस टर्बाइन और ऑल्सो ब्रेटॉन इंजन, दिस ऑल्सो हैज थ्री कंपोनेंट्स। जो गैस टर्बाइन होती हैं, गैस टर्बाइंस आर नथिंग बट वर्क्स ऑन द ब्रेटॉन साइकिल। तो गैस टर्बाइंस आर ऑल्सो ब्रेटॉन इंजन। दिस ऑल्सो हैज थ्री कंपोनेंट्स। जो गैस टर्बाइन होती हैं उसमें क्या होते हैं, बेसिकली तीन कंपोनेंट होते हैं, ए गैस कंप्रेसर, ए बर्नर और कंबस्चन चैम्बर एंड एन एक्सपेंशन टर्बाइन। ठीक, तो अब नीचे जो है डायग्राम में आपको दिया हुआ है आइडियल ब्रेटॉन साइकिल। तो हमने इसमें समझ लिया कि इसमें तीन पार्ट होंगे मेनली, एक गैस कंप्रेसर होगा, एक बर्नर होगा, बर्नर मीन्स जहाँ पे कंबस्चन होगा, ठीक, यू कैन कॉल इट कंबस्चन चैम्बर ऑल्सो, एंड और एक्सपेंशन टर्बाइन होगा जहाँ पे कि गैस का एक्सपेंशन एक्सपेंड करेगी और टर्बाइन को रोटेट करेगी। ठीक, तो आइडियल ब्रेटॉन साइकिल। ठीक, तो इन द फर्स्ट स्टेप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस विल अकर। तो पहले प्रोसेस जो होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एम्बिएंट एयर इज ड्रॉन इनटू द कंप्रेसर वेयर इट इज प्रेशराइज्ड। जो एम्बिएंट एयर है उसको क्या करेंगे, कंप्रेसर में लाएंगे और कंप्रेसर में क्या करेंगे, उसको प्रेशराइज करेंगे, हाई प्रेशर से उसको प्रेशराइज करेंगे। और नेक्स्ट प्रोसेस इज एज यू कैन सी इन द ब्लॉक डायग्राम, फ्रेश एयर इज गिवन टू द कंप्रेसर वेयर इट इज प्रेशराइज्ड। और फिर वहाँ से प्रेशराइज एयर क्या जाएगा, कंबस्चन चैम्बर में जाएगा जहाँ पे कि उसमें फ्यूल ऐड करेंगे। तो सेकेंड प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आइसोबारिक प्रोसेस में द कंप्रेस्ड एयर देन रन्स थ्रू अ कंबस्चन चैम्बर वेयर फ्यूल इज बर्न, हीटिंग दैट एयर अ कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस सिंस द चैम्बर इज ओपन टू फ्लो इन एंड आउट। तो इन ब्लॉक डायग्राम यू कैन ईजली सी दैट फ्रेश एयर इज गिवन टू द कंप्रेसर एंड आफ्टर प्रेशराइज इन द कंप्रेसर द प्रेशराइज एयर गो टू द कंबस्चन चैम्बर वेयर फ्यूल इज एडेड। जब फ्यूल वहाँ पे जलेगा, तो फ्यूल जलेगा तो क्या होगा, फ्यूल इज बर्न हीटिंग दैट एयर। जो प्रेशराइज एयर कंबस्चन चैम्बर में गया उसको क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, वो हीटेड, अब नाउ सुपर हीटेड प्रेशराइज्ड एयर में वो कन्वर्ट हो जाएगी, ए कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस सिंस द चैम्बर इज ओपन टू फ्लो इन एंड आउट। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप विल बी एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस।
तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, कंबशन चैम्बर में जब सुपर हीटेड हाई प्रेशराइज एयर हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, द हीटेड प्रेशराइज्ड एयर देन गिव अप इट्स एनर्जी एक्सपेंडिंग थ्रू ए टर्बाइन। फिर वो क्या होगा, वो एयर टर्बाइन में पास हो जाएगा। यू कैन सी इन द थर्ड स्टेप वो क्या हो रहा है, वो टर्बाइन में एयर जा रहा है। तो जब टर्बाइन में एयर जाएगा तो वो एयर क्या होगा, एक्सपेंड होगा टर्बाइन में जाके, एक्सपेंडिंग थ्रू ए टर्बाइन। एक भी टर्बाइन हो सकती है, सीरीज में बहुत सारी टर्बाइन भी हो सकती हैं। सम ऑफ द वर्क एक्सट्रैक्टेड बाय द टर्बाइन इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। ठीक है, तो टर्बाइन में जाएगा तो टर्बाइन रोटेट होगी, तो कुछ टर्बाइन जो है क्या है, कंप्रेसर से भी कनेक्टेड रहेगी कंप्रेसर को रोटेट करने के लिए। तो सम ऑफ द वर्क एक्सट्रैक्टेड बाय टर्बाइन इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। और जो चौथी प्रोसेस होगी दैट विल बी आइसोबैरिक प्रोसेस, हीट रिजेक्शन इन द एटमॉस्फेयर। अब क्या होगा, टर्बाइन से जब टर्बाइन रोटेट हो जाएगी, टर्बाइन में बड़े बड़े ब्लेड होते हैं, टर्बाइन जब रोटेट हो जाएगी, रोटेट करने के बाद वो जो उसमें एयर है वो एयर एग्जॉस्ट होगी, वो कि गैस या एयर जो भी है वो क्या होगी, फोर्थ स्टेप में एग्जॉस्ट होगी, तो हीट रिजेक्शन होगा इन द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज़ द फोर स्टेप। पहले स्टेप में क्या होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में हवा लेंगे, हवा को क्या करेंगे, कंप्रेसर में फ्रेश एयर डालेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा, कंप्रेस्ड एयर को हम कंबशन एयर में भेजेंगे, कंबशन चैम्बर में, फिर फ्यूल के साथ उसको मिक्स करके हीट देंगे। जब फ्यूल जलेगा तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एयर हाई प्रेशराइज तो थी, अब टेम्परेचर उसका बहुत बढ़ जाएगा, तो हाई प्रेशर सुपर हीटेड जो एयर है वो वहाँ से टर्बाइन में जाएगा। अब टर्बाइन में जो बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं उनको, चूँकि हवा का एक्सपेंशन होगा, जब हवा का एक्सपेंशन होगा तो वो टर्बाइन रोटेट करेगा, उससे कंप्रेसर भी जुड़ा है, और हम आगे चाहें तो जो भी जनरेटर या कुछ भी ऐड करके वो वर्कआउट ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, द कंप्रेस्ड एयर देन रन्स थ्रू ए कंबस्टन चैम्बर वेयर फ्यूल इज बर्न हीटिंग द एयर, ए कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस सिंस द चैम्बर इज ओपन टू फ्लो इन एंड आउट। अब थर्ड स्टेप में जब टर्बाइन में आ गया वो, द हीटेड प्रेशराइज एयर देन गिव्स अप इट्स एनर्जी एक्सपेंडिंग थ्रू अ टर्बाइन और अ सीरीज ऑफ टर्बाइन, सम ऑफ द वर्क एक्सट्रैक्टेड बाई द टर्बाइन इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेशर। एंड द लास्ट प्रोसेस दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा, एग्जॉस्टेड हीट हमारी टर्बाइन से रिजेक्ट होगी टू द एटमॉस्फेयर। तो ये तो ब्लॉक डायग्राम में था। इस ब्लॉक डायग्राम को हम पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम से समझ सकते हैं। यू कैन सी इन द पीवी डायग्राम स्टेप 1 to 2, 1 to 2 में क्या हो रहा है, कंप्रेशर में हम प्रेशराइज कर रहे हैं, तो 1 to 2 में प्रोसेस में देखिए आप, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है। नाउ स्टेप 2 to 3, 2 to 3 में क्या हुआ, 2 to 3 में उसको हम फ्यूल जला के क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं एयर को। अब हमने क्या किया, कंबस्टन चैम्बर में भेजा जहाँ पे फ्यूल जला करके हम उसको हीट दे रहे हैं, तो क्यू इन लिखा हुआ है। ठीक है, 2 to 3 में क्या हो रहा है, क्यू इन हो रहा है, प्रेशर हमारा कॉन्स्टेंट है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक, अब 3 to 4 प्रोसेस में क्या हो रहा है, 3 to 4 प्रोसेस में हो रहा है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, टर्बाइन में गई ना एयर, टर्बाइन में जब एयर गई तो क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा मींस वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। और 4 to 1 में क्या हो रहा है, वो एयर टर्बाइन से एग्जॉस्ट होगी, एग्जॉस्ट होगी तो क्या होगा, हीट रिजेक्शन हो रहा है, वो क्यू आउट लिखा हुआ है। ये पीवी डायग्राम है, ऐसे ही सेम टीएस डायग्राम में 1 से 2 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। 2 से 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब कंबस्टन चैम्बर में भेजे उसको तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्यू इन कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं फ्यूल जला के, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 2 to 3 प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। अब 3 to 4 प्रोसेस में क्या हो रहा है, 3 to 4 जब वो टर्बाइन में गया तो टर्बाइन में जब एयर आई तो एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड हो रही तो टेम्परेचर क्या होगा, उसका
3 to 4% में टेम्परेचर गिर जाएगा और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। अब 4 to 1 में क्या हो रहा है, जब टरबाइन से एग्जॉस्ट हो रही है एयर, तो 4 to 1 में जब टरबाइन से एग्जॉस्ट हो रही है तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर तेजी से गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा एंट्रोपी भी कम हो जाएगी। ठीक, तो दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ द ब्रेटॉन साइकिल। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट सेकेंड यूनिट, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस वी विल डिस्कस हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाई यूजिंग न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस इन ए पावर प्लांट यूजिंग न्यूक्लियर रिएक्टर एंड सम अदर थिंग रिलेटेड विद न्यूक्लियर रिएक्टर लाइक न्यूक्लियर द सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एज वेल एज द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल।